और 11 बजे की शुरुआत इस बड़ी खबर के साथ करेंगे। राहुल गांधी के साथ विपक्ष आज एकजुट दिखाई दे रहा है। साइकिल मार्च यहां पर राहुल गांधी की ओर से निकाला गया। साइकिल चलाकर संसद पहुंचे राहुल गांधी, विपक्षी दलों के सांसद भी साइकिल चलाकर संसद पहुंचे हैं। विपक्षी सांसदों को यहां पर लीड करते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो विपक्षी पार्टियां आज एकजुट राहुल गांधी के साथ नजर आ रही हैं। कुल 17 दलों को न्योता दिया गया था। 14 दल राहुल गांधी के बुलावे पर ब्रेकफास्ट पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर पहुंचे थे और उसके बाद स्ट्रेटजी बनाई गई, आगे की रणनीति बनाई गई। और देखिए, राहुल गांधी आज साइकिल के जरिए संसद भवन पार्लियामेंट तक पहुंचे हैं। लगातार वो विपक्ष को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। निगाहें 2024 पर हैं और एक बानगी 2024 की यहां पर दिखाई देनी शुरू हो चुकी है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 26 जुलाई के दिन राहुल गांधी का एक अलग स्वरूप दिखाई दिया था जब खुद ट्रैक्टर चलाकर पार्लियामेंट पहुंचे थे। हालांकि तब राहुल गांधी ने साफ किया था कि किसानों को सरकार सुन नहीं रही है और इसीलिए हम किसानों की आवाज बन रहे हैं। और आज की तस्वीर देखिए, आज भी राहुल गांधी का बदला हुआ जो अंदाज है वो यहां पर नजर आ रहा है। तमाम विपक्षी सांसदों को लीड करते हुए, विपक्षी पार्टियों को लीड करते हुए राहुल गांधी लगातार दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात रही हो जो हालिया में हुई थी, तब भी राहुल गांधी लीड करते हुए नजर आए थे। मीटिंग हो विपक्षी दलों की या फिर आज का ये साइकिल मार्च, तस्वीरें 2024 की ओर एक इशारा कर रही हैं कि विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को हराने के लिए तैयार है। और दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज की तस्वीरें जब साइकिल मार्च से राहुल गांधी पहुंचे हैं सरकार को पेगासस के मुद्दे पर घेरने के लिए, पूरा विपक्ष एकजुट है और साथ ही नीतीश कुमार का भी मिला है। कहने के लिए बीजेपी की सहयोगी दल है और साथ में मिलकर सरकार भी बनाई, लेकिन नीतीश ने पेगासस के मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और उसमें वो विपक्षियों के साथ दिखाई दिए। और इधर देखिए, 26 जुलाई की दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी कृषि कानून के विरोध में खुद ट्रैक्टर चलाकर संसद तक पहुंचे थे और राज्यसभा लोकसभा में